सर्दी शुरू हो गई है, ऐसे में मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। इसलिए मौसम के लिहाज से हमें अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। आयुर्वेद का सहारा लेकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद में ऋतुचर्या के बारे में बताया गया है। ऋतु का मतलब है मौसम और चर्या यानी रहन सहन और आहार संबंधी नियम। आयुर्वेद में 6 ऋतुओं के लिए अलग अलग चर्या बताई गई है। ठंड में इनका पालन कर हम खुद को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। डाइटिशियन और फूड एक्सपर्ट के मुताबिक ठंड में हर्बल प्रोडक्ट बहुत कारगर होते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा गाइडेंस में ही लेना चाहिए, क्योंकि कई बार आप घर बैठे इनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो सेहत खराब भी हो सकती है। हर्बल प्रोडक्ट तभी लें जब डेली वर्कआउट, एक्सरसाइज या योग कर रहे हैं। ठंड में मुलेठी, सौंठ या दालचीनी वाली चाय जरूर पीनी चाहिए। इससे शरीर में गर्माहट आती है और सर्दी जुकाम की गुंजाइश भी कम हो जाती है। नंबर 1, मुलेठी। इसके पाउडर को शहद में मिलाकर चाट सकते हैं, चाय और काढ़े में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुलेठी की जड़ को पानी में उबाल कर पीना चाहिए। इससे गले की खराश सही होती है और मेनोपोज, स्किन और हार्ट की दिक्कतें नहीं होती हैं। नंबर 2, सौंठ। चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं और सुबह खाली पेट 2-3 चुटकी खाकर गर्म पानी पिएं। सब्जी और दूध में डाल सकते हैं और इससे गला सही रहता है। नंबर 3, तेज पत्ता। इसे उबाल कर पीना चाहिए, सब्जी में डाल सकते हैं, इससे ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल होता है। नंबर 4, दालचीनी। चाय और दूध में डालकर पी सकते हैं, सिर्फ दालचीनी को उबाल कर या उसके पानी में शहद मिलाकर भी पी सकते हैं। सलाद और ग्रेवी वाली सब्जियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे झुर्रियां नहीं आती हैं, वेट लॉस होता है, हार्ट की समस्या नहीं होती है, गला ठीक रहता है। हालांकि ज्यादा इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। नंबर 5, चक्रफूल। इसे पानी में उबाल कर पी सकते हैं, चाय में भी पी सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा डालें, क्योंकि ये बहुत तीखी होती है। इसे पुलाव और ग्रेवी वाली सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ब्लड प्रेशर सही रहता है, भूलने की बीमारी सही होती है। नंबर 6, जायफल। इसका इस्तेमाल मीठी चीजों में कर सकते हैं, जैसे हम गर्मियों में इलायची खाते हैं, वैसे ठंड में जायफल खाना चाहिए। ये शरीर को गर्माहट देता है। इसके पाउडर को दूध और चाय में डालकर पी सकते हैं, इससे फर्टिलिटी अच्छी होती है, हार्ट की समस्या भी नहीं होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, मुंह से दुर्गंध नहीं आती, लेकिन ज्यादा लेने से बचना चाहिए, क्योंकि लूज मोशन हो सकता है। आयुष मंत्रालय ने भी ठंड में बीमारियों से बचने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई काम की बातें बताई हैं। मंत्रालय के मुताबिक दिन भर गर्म या गुनगुना पानी ही पिएं, रोज कम से कम 30 मिनट योग करें, प्राणायाम करें और ध्यान लगाएं। 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पिएं। खाने में हल्दी, जीरा और धनिया जैसे मसालों का इस्तेमाल करें। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक और किशमिश का काढ़ा भी आप पी सकते हैं। इंस्टाफीड।